असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो आपको बताया आज है संडे और संडे को आनी थी ट्रोलिंग वाली वीडियो, तो बस हाजिर है। रैंक पुश कर रहा हूँ, लाइक दिन बिजी जा रहा था, टाइम ही नहीं था, बट फिर भी आप लोगों के लिए हमने बना ही ली। तो ये बंदे आ रहे हैं, बट लास्ट टाइम मीम्स वाला वर्जन था, आज हम लाइक ओरिजिनल अपना ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा जाता है। और गाइस, लास्ट वाली वीडियो पे थे 56,000 लाइक्स, तो प्लीज़ 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 एनोनिमस की पब्लिक उस लाइक्स का रिकॉर्ड तोड़ देना, आपने 57,000 करने इस वीडियो पे। तो उतरते हम गाइज रॉजॉक यानी पिशावर, और हमें चाहिए थी लो लॉबी ताकि हम ट्रोल कर सकें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक लो लॉबी में मिल भी गई थी। फिर ट्रोल करने में उतना मज़ा आता है जितनी लो लॉबी होती है गाइज। तो संडे को, अभी जिनको नहीं पता, मैंने कंटेंट चेंज किया था कि संडे वाले दिन थोड़ा फ़नी। तो अभी यहाँ पर ये भाई हमें नज़र आते हैं। माड़ा तुम पिशावर में कई सकपड़ पहन के रखता है, इस खबीस को हम नहीं छोड़ेगा, इस खबीस के पछवाड़ा में हम बंदूक का गोली मारेगा। भाग रहा था गाइस ये बंदा ना, फिर एक गन नहीं होती इसके पास, और फौरन से भागने लग जाता है। डॉलर यहाँ पे भी थोड़ा वॉमिटिंग वाला सीन होने वाला है। डॉलर ये फौरन से पीछे भाग जाता है। तो देख लो गाइस, मीम वाला वर्जन जो है हम अपने एनोनिमस के स्टाइल में आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो प्लीज़ सब के सब ठोक देना लाइक बटन, मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है नहीं देखना है। बेचारा लैग हो रहा था, ऊपर की तरफ भाग जाता है, और यहाँ पे होगी कैंपिंग लेवल 99999 पब्लिक। अंदर बैठा, मैं स्टन ग्रेनेड निकाला, बट लाइक इतना भी नूब नहीं था गाइस, ये मौका ढूंढ रहा था, बेचारे का गन नहीं थी। तो नीचे आया, ओ भाई साहब डरा दिया उसने मुझे, और पीछे से एक और बंदा आ जाता है। तो हम एक टाइम में एक को ही ट्रोल कर सकते हैं, तो मैं इसको पूरा फिनिश कर दूंगा गाइस यहाँ पे, और दोबारा से फोकस करेंगे अपने वाले एनिमी पे, क्योंकि अगर दो हो गए ना तो हमारी बैंड बच जाएगी। हमने मार दिया उसको। सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, क्या कैंपिंग लेवल 999 हो रहा है यहाँ पे। ओके, सहरी के लिए हॉर्न भी बज रहा है, हो रही है यहाँ पे लॉग। बस मैं जा नहीं रहा था, मैं ट्राई करता जितना ट्रोल कर सकूँ, भाई को गुस्सा दिला सकूँ। ये मरता नहीं है कभी, लगा होगा अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में गुस्सा। भाई पिछवाड़े पर गोली मार दी, तो भाई को ज़्यादा गुस्सा आ गया था, भाई एक एम ले क्रश करने आया। तो गाइस हमने यहाँ पे फिनिश किया, और उसके बाद इनकी करेंगे लूट। लेकिन यहाँ पर भी हमारी लाइक पिशावर रॉजॉक की ट्रोलिंग ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे और भी बंदे बचते हैं। तो हमने दुड़की लगाई ऊपर की तरफ, यहाँ से गाइस आई थिंक शॉट्स आ रहे थे। पहले तो हम बॉडी लूटते हैं यहाँ पे, पता नहीं शॉट्स आ रहे थे या शॉट्स आएंगे ऊपर की तरफ से, तो फ़ौरन से यहाँ पे लूट उठाएंगे और फिर करेंगे आगे की तरफ फोकस हम लोग। तो फिर हमने लगा दी ऊपर उजी पकड़ के दुड़की गाइस, पैन हमारे बम पे लगा हुआ है, भाग रहे हैं अपने पुराने आउटफिट में जो कि आजकल हम बहुत कम पहनते हैं। और यहाँ पे गाइस मुझे आता साउंड, और हमें एक बंदा, ओके भूल गया, बंदा कहाँ है, आवाज़ तो इधर से ही आ रही थी भाई। ओके मैं भूल गया था, लॉल फनी आवाज़ निकालना भूल गया था, लॉल बेस्ती सी हो गई गाइस है ना, नहीं बेस्ती तो नहीं, बट हाँ फनी सीन क्रिएट हो गया जो कि मैं एडिट नहीं करूँगा। आप लोगों को सुनना चाहिए कि कैसे कैसे कारनामे होते हैं एडिटिंग करते टाइम। तो फिर हम करता हूँ ऊपर की तरफ रश, उसने एक बंदे को यहाँ पर डाउन किया था, निकाला अपना स्टन ग्रेनेड, और फौरन से भाई साहब ऊपर आ जाएंगे, तुम्हारी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। ओए होए गाइस, इतना भी नूब नहीं था, मेरी हेल्थ खा गया सारी की सारी, भैंस की दुम, बहुत ज़्यादा हेल्थ खा गया, तो जिंदगी खतरे में आ गई थी। फिर अपने आप को करेंगे हील, अरे सर हमने तो आपको देखा ही नहीं, कैसे हील हिल के अपना पिछवाड़ा लेफ्ट राइट करके हम भैया भाग रहे हैं। और यहाँ पे भैया चले जाते हैं सामने वाले कंपाउंड की तरफ, और फिर मैं थोड़ा साउंड ले रहा था, लाइक भाई हमारी हमें चेस कर रहे थे, बिल्कुल हमारी अपोजिट साइड पे घूम रहे होंगे, साउंड आ रहा था, लाइक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता थी, तो मैं घर के अंदर आ गया। और फिर हमारे भाई जो हैं वो भाग जाते हैं सामने वाली बिल्डिंग में जो बड़ी वाली है, उससे साउंड आता है, तो मैं वहाँ कर देता हूँ रश। अब ये हमारे भाई जो हैं यहाँ गाइस ये फाइट लेंगे, उतना फनी होगा ना, ये दो बंदे फाइट ले रहे होंगे और मैं मज़े से देख रहा, मैं स्टन निकाला, बट भाई ऊपर ही कैंपिंग कर रहे हैं, क्या जैसे ही ऊपर आएगा तेरे पिछवाड़े में गोली मारूंगा नीले कपड़े वाले। हाय 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 हाय, सर जी हमने तो आपको देखा, हमें तो पता ही नहीं है सर आप अंदर गए हैं वहाँ पे, नहीं हमें तो बिल्कुल पता नहीं है। और यहाँ पे वो साउंड बजना चाहिए, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, लेकिन हम अपने स्टाइल में बोलेंगे लॉल। सस्ते स्टाइल में, यस सस्ता ऋतिक रोशन वाली आवाज़। लॉल। तो कैसे इसके बाद नीचे भाग आता हूँ, क्योंकि भाई मेरा ऊपर बिल्कुल सीढ़ियों पे कैंप कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि स्मोक्स करता हूँ, और या पैन से मारूंगा या मुक्को से भाई को मारूंगा, लेकिन स्मोक्स करके फिर मारूंगा, वरना भाई जो है ना हमारी बैंड बजा देंगे गन से। तो हमने कर दी ज़्यादा सारे स्मोक, और फिर हम घुसेंगे ऊपर। लेकिन इतनी देर में हमें साउंड आता है कि लेफ्ट पे आ गया बंदा। तो गाइस वो मीम देख रखी है आपने, यू ब्लडी यू, यू दो लड़ रहे होते आपस में, इंग्लिश किसी को नहीं आ रही होती, यहाँ वो वाली मीम लगनी चाहिए, लड़ो लड़ो भाई साहब लड़ो, मज़े से
और यहाँ पे हम कुछ वो वाला म्यूजिक लगाएंगे। ओ लेकिन सस्ते स्टाइल में, यस। फिर हमने अपनी गधा गाड़ी उठाई गाइस और आ गए थे सीधा पचिंकी यानी पिंडी। पर यहाँ पर जो है वो अलग बंदे बैठे होते हैं, वो रोज वाली कम्युनिटी कर करके ना अलग टीमें बोलना, मुंह से अलग टीमें निकल रहा लॉल। तो पोजीशन नहीं पता थी गाइस, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस घर के ऊपर वाले फ्लोर में जाके हम करेंगे एनिमीज का वेट। और मुझे लगा एक ही बंदा पचिंकी में, क्योंकि इतनी देर है मतलब एक ही बचा होगा लड़बड़ के। लेकिन ये भाई तो बड़े ख़राब मूड में लग रहे थे। उतनी देर में पिछवाड़े पे और अलग साइड से पड़ गई गोलियाँ। तो अब दो बंदे थे, एक सामने वाली साइड पे, एक हमारी बैक साइड पे। तो अब इनमें से हमें एक को मारना था ताकि हम दूसरे से थोड़ी सी मस्तियाँ ट्रोल कर सकें। तो फिर हमने पेन किलर लगाया। पेन किलर लगाने के बाद हम सीढ़ियों पर जाके एक को मारने का ट्राई करेंगे फुल। अब गाइस मुझे कमेंट करके बताना भाई नेट से फटे कैसे नहीं। खुद देखना ये बंदा वहाँ पे टीपी ले रहा है, गन भी ग्लिच हो गई उसकी, हाथ ग्लिच हुआ था शायद से, वो देखो गाइस। ए परफेक्ट नेड, बट वाई यू आर नॉट मरिंग। मैं भी तेरे को नेड करेगा रे। और फिर भाई हमें नेड करने के लिए रेडी थे, लेकिन भाई का नेड हवा में फट गया। और फिर यहाँ पे गाइस ये था बंदा ट्रोल करने वाला, जिसे ट्रोल किया जा सकता था। बट इसका मुझे पता था ये जितना ओपन में मेरा भाई आकर रुक गया ना, इसकी बैंड भेजने वाली है। साइड से इसको मार रहा था मैं, ट्राई करते इसको फिनिश कर दूँ ताकि उस बंदे को ट्रोल किया जा सके। बट भाई पता नहीं कि कौन सी गोलियां खा के जिंदा थे, लाइक मतलब क्या खा के पैदा हुए थे, मरे नहीं। यस बॉयज एंड गर्ल्स, फिर हमने कर दिया आगे रश। लेकिन इतनी देर में गाइस वो राइट से मार देता उसको, दूसरा बंदा जो था बैक साइड पे उसने गाड़ी वाले को मार दिया। भाई हील करते करते अंदर भागे। अब गाइस मुझे लगा इसकी हेल्थ कम है तो उसको बैन से मारा जा सकता है, बट हमारे साथ होने वाला प्रैंक। ओ बैंड बजा दी भाई ने हमारी, अल्लाह करे तेरी शादी पे तेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए मेरे भाई, और फिर तो धक्का लगा के अपने ससुराल तक अपनी गाड़ी में जाए। फिर गाइस हम लोग आए पचिंकी और हवा में लटक के देखा जा रहा था कितने बंदे आ रहे हैं। लेकिन फिर जैसे हमारे टीममेट्स बोलते हैं ना, बंदे नज़र आते ना लाइक डायरेक्शन नहीं बताएंगे, नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, बस शुरू हो जाएंगे भाई बंदे 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 बंदे। तो यहाँ भी वही सीन हो रहा था। अब ये भाई साहब एक पास में उतरे तो हमने यहाँ पे लूट स्टार्ट कर दी। पिस्टल उठा रहा था क्योंकि पिस्टल से मार के थोड़ा ट्रोल किया जा सकता है गाइस, इसलिए मैं पिस्टल वैसे आउट ऑफ पिक पे रखी नहीं है, लेकिन अभी मैंने ट्रोल के लिए पिस्टल उठा ली थी। बंदा सामने वाली बिल्डिंग में उतरा था गाइस वो, और मैं कर रहा था उसका वेट किया। जैसे मेरा भाई आया हम उसके साथ थोड़ी मस्ती करें, थोड़ी उसकी बैंड बजाएं, लेकिन हमारे भैया आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बट कब तक आप नहीं आएंगे जनाब, हम आपका कर रहे हैं इंतजार। फिर हमने कर दिया भैया पे रस, रस मतलब रश, और जुबान अटक जाए तो रस। फिर हम पिस्तल लेके ऊपर जाते, भैया भाग लिए यहाँ से। और गाइस क्या तो हवा में मतलब भागते भागते क्या तो कार ने शॉटगन मारी भाई ने। ओ भाई साहब जिंदगी खतरे में आ गई। फिर हमें मजबूरन भाई को डाउन करना पड़ा, और उसके बाद हम जाएंगे और करेंगे अपने आप को हील, वरना हमारी बैंड बजने वाली है। फिर गाइस ये भाई मुझे नजर, पिस्टल से मैंने इनको मारा और ये शैक के अंदर जाके बैठ गए, गोली इनको लगी थी। लेकिन गाइस इस वाली गेम प्ले में ना इतना फनी वो है ना एक सीन, वो लाजमी आप लोग देखना और शेयर भी करना अगर आप करना चाहते हो दोस्तों के साथ। उसमें क्या हुआ था कि लाइक मैं एनिमी की गाड़ी में बैठ के तीसरे एनिमी को मार रहा था, तो बड़े मज़े का सीन होने वाला है, वो आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। तो हमने धुड़की लगा दी आके थोड़ी सी फायर देखने के लिए कि देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है भाई। यहाँ आके हम बैठ गए और यहाँ पे अब दो बंदे हमारे सामने लड़ेंगे, और फिर वही वाली मीम लगनी चाहिए थी जो हम नहीं लगाएंगे फिलहाल। ओके मेरे को फिर से नींद आ रही है एडिट करते हुए। रोज़ का ही हो गया तो हमें नींद आना है ना गाइस। यू ब्लडी यू यू यू, वो जो सस्ती इंग्लिश है ना, सर्च करना गाइस यूट्यूब पर अगर आपने नहीं देख रखी तो, फिर मज़े की है। और फिर ये लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं ना, मज़े से देख रहे हैं लड़िए। माय नेम इज जॉन सीना टू टू टू, इसे कहते हैं सस्ती एडिटिंग। मतलब वॉइस ओवर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद से मुंह से आवाज़ निकाल लीजिए तो आपकी एडिट हो जाएगी गाइस, देख लो हमारे काम। लेकिन आपको मज़ा इस चीज़ में आता है, लाइक हंसी इस चीज़ में आती है, तो मैं यही ज़्यादा करता हूँ उल्टे सीधे काम। तो गाइस ऊपर भागा, इसकी हेल्थ डेफिनेटली कम थी, और ऊपर जाके देखना जैसे ही तो ऊपर आएगा मैं तेरे को मार दूंगा। भाई ऐसा सोच के लेटे थे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर हमने भाई को फिनिश किया और हमें यहाँ पे स्टन ग्रेनेड मिल चुका है, और फिर हम यहाँ पे करेंगे लूट। लेकिन गाइस अब आ जाता है एक और बंदा घर के नीचे, और इस भाई के साथ जो हुआ ना, लाइक दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो गाइस, लाइक कुछ ज़्यादा ही फनी हो गया था।
और ऑफेंड मत होना, सिर्फ आप लोग को एंटरटेन करने के लिए मैं ऐसे ट्रोल करता हूँ, और मुझे खुद पता है ये लो लॉबी होती है, तो मतलब मैं आपको बताया भी होता है कि लो लॉबी में ही ट्रोल होता है, तो प्लीज़ ऑफेंड मत होना, ऐसे फन के लिए होता है, क्योंकि लास्ट टाइम डिसलाइक्स बहुत आते थे यार, इसलिए मैं मीम्स नहीं लगा रहा, सिर्फ वॉइस से आप लोग को एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज़ ये बंदा वहाँ पे ऊपर आने नहीं देता, खतरनाक वाली टीपी प्लेयर था। फिर मेरे दिमाग में एक आया आइडिया, पहले तो बूस्ट मार लेते हैं, ये ऊपर जाएंगा ना गाइज़, ये मुझे पक्का मार देगा, क्योंकि वो ले रहा है टीपीपी, तो मैं उसको यहाँ से ट्रोल नहीं कर सकता। फिर मुझे आया, हमें निंजा टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा छत पे और बैक साइड पे आके भाई के पिछवाड़े वाली साइड से, हमें वहाँ से एंगल लेके भाई को स्पॉट करके वहाँ बैठ के भाई को देखना पड़ेगा कि भाई क्या कर रहे हैं। वो रहे हमारे भाई बैठे मज़े से गन निकाल के, UMP सस्ती वाली भाई ने हाथ में पकड़ी हुई है, जो कि अब बड़ी सस्ती हो चुकी है जब से इसके अंदर वैक्टर का एमओ डालने लगा, वैक्टर में इन्होंने 9mm डाल दिया। लॉल UMP में जब वो डालता था 9mm UMP सबकी फेवरेट थी। पॉड को मार रहे मेरे भाई, और इसी दौरान गैस मेरा पाँव फिसलता और मैं गिर जाता हूँ नीचे। अब पता नहीं नीचे गिरता कैसे हूँ, साइड पे आ रहा था। अरे नहीं भैंस के तुम, दोबारा से ऊपर चढ़ना पड़ेगा गैस, दोबारा मैं जाता हूँ ऊपर और फिर हम फिर से करेंगे जंप, और वहीं पे आके भाई को देखने लग जाएंगे, जो भाई यहाँ पे बैठे थे मज़े से। गैस देखो कोई दुनिया की फिक्र नहीं है, भाई को मज़े से बैठा, आए हाय 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 एमओ उठा रहे। जैसे ही नीले कपड़े वाला ऊपर आएगा इसके पिछवाड़े में गोली मार के इसको मैं लॉबी भेज दूंगा इसकी। खैर नहीं है, जैसा कुछ सोच लूँगा भाई, गन चेंज कर रहे हैं, रीलोड वीलोड हो रही है, खतरनाक वाली कैंपिंग की जा रही है। धोती पहन रखी है मेरे भाई ने, और धोती के नीचे से भाई को हवा लग रही होगी। और फिर गैस में काफ़ी देर तक यहाँ भाई का वेट करता, देखता रहता हूँ कर क्या रहा है। फिर मेरे माइंड में आता है मारूँ कैसे, पैन मेरे पास था नहीं, तो मैं ट्राई कर मतलब माइंड में आया कि फिस्ट करता हूँ, मुक्को से मारता हूँ। फिर मैं मुक्को से मारना स्टार्ट कर दिया। अरे कौन मार रहा है, नज़र तो कोई नहीं आ रहा। अरे कहाँ है भाई तू, अरे 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 कौन मुक्के मार रहा है, नज़र नहीं आ रहा। लॉल भाई को जब तक पता चला मुक्के पड़ रहे हैं देर हो चुकी, फिर भाई को मैं फिस्ट से मार दिया। लॉल फिर गैस मज़े से करेंगे लूट, और लूट करने के बाद पोचिंगी हो चुका था एकदम खाली हमारा पिंडी, और फिर हमें जाना कहीं और जाएंगे, वहाँ जाके बंदे ढूंढते हैं, वहाँ ट्रोल करने की कोशिश करेंगे। पहले अपना बैंडेजेस वगैरह लगा के हीलिंग स्मोक्स जो उठाने हम उठाएंगे, फिर उठाएंगे अपनी गधा गाड़ी। सामने चली थी गर्ल्स फ्लेयर, और फ्लेयर चली थी जॉर्जो पुल में, और वहाँ जब मैं मतलब सिर्फ कट्स कर रहा था ना वीडियो में, तो मुझे बड़ा फनी सा एक सीन याद आया था, जो मैं अपनी वॉइस में आप लोगों को लाइक वहाँ पे मीम लगा के सुनाऊंगा। तो निकालिए अपनी गाड़ी और डायरेक्ट हम लोग पहुँच जाएंगे गर्ल्स जॉर्जो पुल, मतलब अपने लाहौर। और यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, भाई मैं पहले गेम स्टार्ट किया, उसमें बड़ी देर लगी, फिर मैं गेम में आया, फिर मैं मैच स्टार्ट किया, फिर मैं जॉर्जो पूल में उतरा, और उतरने के बाद मैंने लूट की, मुझे फ्लेयर मिली, मैंने फ्लेयर चलाई, फ्लेयर आई, मैं फ्लेयर लूट रहा था, और आप इतनी जल्दी मुझे कैसे मार सकते हो भाई, ऐसा कुछ बोल लूँगा ये भाई साहब। उनको हमने मार दिया, और फिर बेचारे कि हम लोग लूट करेंगे, और यहाँ पे हमें मिल जाएगी गाइज हमारी पहली मोहब्बत AWM, और काफ़ी ज़्यादा एमओ वगैरह, और मतलब लूट का भूखा देख लो मैं कितना हूँ। मेरा लोग बैग देखोगे ना क्या क्या भर रखा है उसमें, ट्रोल करने के बावजूद, ट्रोलिंग वीडियो बनाने के बावजूद इतनी लूट कौन उठाता है गाइज, मेरा बैग देख लो आप, इतना भूखा हूँ मैं लूट का। और अगर आप भी हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और लाइक झूठ नहीं बोलना, लुटेरे हो तो लुटेरे, लाइक मैं बहुत बड़ा लुटेरा हूँ, मैं बहुत भूख का लूटा हूँ, लाइक लूट का भूखा हूँ। ओके आप बोल के दिखाओ, भूख का लूटा, लूट लूट का भूखा, भूख का लूटा, लूट का भूखा, भूख का लूटा, लूट का भूखा, लॉल क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर निकाली हमारे उन्होंने गधा गाड़ी, और गाइस अब दूसरे बंदे को स्पॉट करने के लिए मैं ऐसे निकल चुका था। तो यहाँ पे शॉट्स आ रहे थे गाइस, बाइक भी खड़ी हुई थी, तो मतलब यहाँ बंदे थे, तो मैंने ऐसे गाइस स्पॉट करने के लिए गाड़ी घुमाई कि शायद से मुझे कोई नज़र आए। अचानक से पड़ने लग जाती हैं गोलियाँ, ठा ठा ढुस ढुस, और हम अपनी गाड़ी रोक देते हैं अंदर वेयर हाउस में। अब बंदा देखेंगे कहाँ से मार रहा था मेरा भाई, मैंने ट्राई किया जंप वंप करूँ, मीटअप करेगा तो कर लेंगे, हाजा हबीबी हबीबी बोलेंगे भाई को, बट भाई जो है मीटअप के नाम पे जो है ना हमारे पिछवाड़े में गोलियाँ मार रहे थे, कोई मीटअप नहीं हो रहा था यहाँ पे। काफ़ी देर में ट्राई करता रहा कि भाई मीटअप कर लें, बट भाई ने कहा ना तेरा किल चाहिए मेरे को गीली सूट वाले। फिर बस हमने ओम का हेडशॉट मारा भाई को और ठा करके, और फिर भाई की करेंगे लूट। गैस अब वो सीन आने वाला है जो सबसे फनी है वीडियो में, लाइक मेरे हिसाब से, बाकी आपको कौन सा फनी लगा सबसे ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताना। गैस मैं जा रहा था, अब मैंने देखा ड्रॉप पे जा रहा था कि ड्रॉप पे कोई आएगा तो ट्रोल करूँगा, ये भाई सब गाड़ी में जा रहे हैं ठीक है, और स्क्वाड उसमें अलग से बंदा है। अब हम यहाँ मज़े देखो, गाड़ी भगाई, ठोकूंगा गाड़ी यहाँ पे, और भाई की गाड़ी में बैठ जाऊँगा ठीक है, भाई की गाड़ी में बैठ के भाई चला रहे हैं मज़े से गाड़ी।
और वो स्क्वाडर्स वाला मार रहा है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसी एनिमी की गाड़ी से स्क्वाडर्स वाले को मार रहा हूँ। नहीं मतलब क्या, नहीं ये मजाक हो रहा है। लॉल तो गाइस ये मुझे नहीं मार रहा, ठीक है। और ये बंदा ना बताऊँ क्या कर रहा था, ये ट्राई कर रहा था कि मैं ना ऊपर वाले बंदे से इसको लाइक डाउन करवा दूँ, मतलब भाई अकल इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर मैंने निकाल लिया हमको और मारना स्टार्ट कर दिया गाड़ी से ऊपर वाले बंदे को, बेचारा काफ़ी लो, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा गाइस एंगल और मैं डाउन कर दूँगा बंदे को। और डाउन करने के बाद भाई साहब जो है हमें मारने के लिए गाड़ी ठोक देते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है और हम लगा देंगे वापस से दुड़की ऊपर की तरफ। फिर भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे थे गाइस, इन्होंने कसम खाई हुई थी कि भाई हम नहीं छोड़ेंगे। जब मुझे लगा भाई ऊपर आ रहे हैं तो मैं टॉप पे भाग गया, और जब भाई टॉप पे आएंगे तो हम कर देंगे नीचे जंप, भाई हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा तंग। और लाइक यहाँ पे मुझे था कि अगर ये फिर नीचे जंप करेगा मैं ऊपर चला जाऊँगा, थोड़ा सा ऐसे घुमाता हूँ, पकड़म पकड़ाई खेलते हैं भाई के साथ। बट हमारे भैया जो हैं वो काफ़ी घबरा चुके थे कि ये बंदा कर क्या रहा है, इसने मुझे मारा नहीं, मेरी गाड़ी में घूमता रहा, ऊपर वाले को मार दिया, नहीं मतलब क्या ये क्या कर रहा है। तो भाई ना एक कोने में एम करके बैठ गए, पहले बॉट भैया को मार लेते हैं हम, रैंक नहीं है फिर भी केडी केडी का कोई मजाक नहीं, लूट का कोई मजाक नहीं, किल का कोई मजाक नहीं, अपने लॉ ऑफ एनोनिमस तोड़ना नहीं चाहिए ना गाइस। फिर जंप करके देख रहा था ऊपर की तरफ और भाई इस कोने में बैठे मजे से, ओए होए सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, कैसे गाइस बैठा है। जैसे ही ऊपर आएगा गिली वाला इसके पिछवाड़े में गोली मार के इसको लॉबी वापस भेजूंगा, मेरी गाड़ी गंदी कर दी इसने बैठ के। हम चले जाते हैं गाइस ऊपर और यहाँ से हमें एंगल मिलेगा भाई का, ये बैठे आए हाय सर जी हमें तो आपने देखा ही नहीं। लॉल मैं उल्टे लफ्ज़ क्यों बोल देता हूँ, आप हमने तो आपको देखा ही नहीं सर। तो मैंने गाइस मॉली निकाली और नीचे बॉट घूम रहे, भैया हमारे बड़े जोश में बैठे हैं कि सर जैसे ही सामने आएगा इसकी बैंड बजाएंगे, जाके गाइस लूट कर रहा हूँ, लूट भी हिल हिल के कर रहा है, देखो गाइस आहा हा वाह जल्दी जल्दी लूट हो रही है। फिर मैं लो टॉस पे करके मॉली भाई में लगा दूंगा, भाई के पिछवाड़े में आग लगा देंगे, भाई में लगा दूंगा आग। लॉल भैया भाग लिए, डैमेज वैमेज कम ही हुआ होगा। और जैसे भाई हमारे यहाँ आते हैं फिर मैं पैन निकालूंगा, मैंने कहा चलो अब पैन से डाउन किया जाए भाई को, बहुत हो गया मजाक, आगे जाएंगे, क्योंकि गाइस जोन नहीं था। तो हमने भाई को मारा पैन और हमारे भैया हो गए यहाँ पे फिनिश। फिर भैया की करेंगे लूट और दूसरी क्रेट से लूट उठाएंगे जो हमने लाइक गाड़ी से बंदा मारा था। और पहले बॉट भैया मार देते हैं क्योंकि हमें बस किल ज़्यादा करने हैं, वो बॉट भैया मारने के बाद हम बॉट का भूखा अनोनिमस है ना गाइस, आप यही बोलेंगे कितना भूखा है ये बॉट का अनोनिमस। यस आई नो गाइस, बस बॉट का भूखा कौन नहीं होता, ये हमारी केडी ज़्यादा होने का राज है गाइस बॉट। और फिर हम यहाँ पे करेंगे लूट वगैरह, जो फालतू चीज़ें थी गिरा दी, मॉली वगैरह उठा ली। अब उठाते हैं अपनी गधा गाड़ी और चलेंगे आगे की तरफ दूसरा बंदा ढूंढने के लिए। और गाइस अभी आगे जाके यही सीन होने वाला है, एक और बंदा गाड़ी में बैठ रहा होगा और मैं उसकी गाड़ी में बैठ जाऊँगा, नहीं मतलब क्या, लेकिन वो थोड़ा बंदा खतरनाक डेंजरस बंदा है, डेंजरस वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बंदा है। गैस हम अपनी गधा गाड़ी लेके निकला और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएंगे ना यहाँ से हम भाई साहब हमारे गाड़ी चेंज करेंगे। वो गैस एक आप बात अपने नोट की होगी, लो लॉबी में ना एक ना कैसा बंदा लाजमी आया होता है जो गाड़ियाँ चेंज करता रहता है, गाड़ी में घूमता रहता है पूरी गेम में, बस इसने बग्गी छोड़ी गाड़ी में बैठा और मैं अपनी गाड़ी छोड़ के इसकी गाड़ी में बैठा और ये उतर गया। ये भैंस की दुम जिंदगी खतरे में आ गई थी गाइस। फिर हम लगाएंगे अपनी मेड किट और अपने आप को हील करेंगे, और हील करने के बाद गाइस यहाँ से शॉर्ट्स आए थे तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे अलग भाई मामे हीर दे कर रहे थे हमारा इंतजार, मतलब इंतज़ार। और सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं है, वहाँ भाग रहे हो। फिर हम भाई के पीछे जाते हैं और हमारे भैया जो हैं वो काफ़ी गुस्से में थे, और यहाँ पे गाइस हमारे साथ होने वाला है पी रैंक, PREANK पी रैंक। देखा मेरी अंग्रेजी गाइस कितनी अच्छी अंग्रेजी आती है मेरे को, देख लो भाई मेरे को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है। तो गाइस मैं जंप करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा था बट बेइज्जती सी हो गई हमारी, और यहाँ पे मेरी ना लाइक हाथों पे पसीना आ गया था और मेरी स्क्रीन भी काम करना छोड़ रही थी। मैं बार बार देखना गाइस ये रुक गया, मतलब स्क्रीन काम नहीं कर रही, ये रुक गया, उन्हें मतलब क्या अटक रही थी लाइक, मतलब बहुत ही गुस्सा आता है गाइस ऐसा होता तो, समटाइम बंदे सामने होते हैं स्क्रीन काम करना छोड़ देती है, तो उसका कुछ इलाज बताओ। मैं पाउडर वाउडर डाल लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, साफ़ करता रहता हूँ टिश्यू से फिर भी कुछ नहीं होता, नहीं मतलब क्या, कुछ इलाज बताओ गाइस इसका कमेंट में। तो हम लाइक मरे नहीं,
भाई नीचे आते हैं, हम फिर से पीछे दुड़की लगा देते हैं, भाग लेते हैं पीछे की तरफ। भाई कह रहे थे इधर यह है, घूम रहे आगे पीछे, छोड़ूंगा नहीं, धुआं दिलूंगा तेरे को। और फिर हम अपनी दोनों गल्ले के ऊपर की तरफ, मुझे थका जो स्लिप बनी हुई ना ऊपर, यहाँ बैठ जाऊँगा, स्लोप सी बनी हुई है, स्लिप सी बनी हुई है, लाइक बार बनी हुई है या पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, तो इसके ऊपर जाके बैठ जाऊँगा, थोड़ा सा मज़े का सीन देखने को मिलेगा। जैसे ये नेड निकाला, नेड फेंका और नेड खुद छूट गया गाइस, ठीक है, खुद छूटा, नेड शो हो रहा है बट नेड हो गए नहीं, और मेरी स्क्रीन वैसी अटक रही है, ठीक है, पिंग भी मेरी आ रही है 124, ठीक है। और ऊपर जाएंगे, नेड फटा भी नहीं, नेड का टाइम भी पूरा हो गया, जब मैं यहाँ पे बैठा, भाई भागे पीछे, स्टन ग्रेनेड उठा रहा हूँ, स्टन ग्रेनेड नहीं उठा रहा, और यहाँ हमारे साथ हो जाता है ये रिकोनेक्ट हो रहा है, बट नहीं भाई, गेम मतलब नेट ही चला गया, पिंग भी हाई नहीं हुई, अचानक से नेट चला जाता है मेरा, और डेफिनेटली फिर इस बंदे ने मार ही दिया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट से जरूर बताना, मेरी को बुरा लगे माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। अगर 50,000 से ज़्यादा लाइक्स होता है, प्रॉमिस एक और नेक्स्ट संडे एक और गेम प्ले लेके आऊँगा फनी वाला। तो बस गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना, दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना एनोनिमस की पब्लिक, लव यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।